Assalamualaikum, this is Elgin Rides and welcome back to my नया वाला ब्लॉग. मेरे को ना आज ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं था यार. आज अजीब अजीब सा लग रहा है. मतलब सीधे बताऊँ, एक चीज़ बताऊँ, मुझे आज ना एक बहन की कमी बहुत खल रही है. मतलब जिंदगी में एक बहन तो होनी चाहिए बस, क्योंकि अकेले मैं इतना कुछ कर रही हूँ विदाउट एनी गाइडेंस. मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं है, मुझे क्या करना है क्या नहीं. बहुत अकेली अकेली हो गई हूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है. मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ बहुत सारे पर वो मेरी गलत फहमी थी. आज मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है अंदर से, लिटरली मैं नहीं ब्लॉग बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्या करूँ. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत अकेली हूँ, मेरे साथ है ही नहीं कोई. अकेले सब खुद अरेंज करना, सब खुद करना, खुद का फेशियल करना, वो भी बेचारी छोटी कजिन है, इसने मेरा फेशियल किया है. तो मेरा बिल्कुल मन ही नहीं था. खुद मैं, हाँ बस, खुद सीट भी अपनी बना रही हूँ. ऐसी कोई दुल्हन आपने देखी होगी जो खुद की सीट खुद बना रही है? यहाँ पर मैं अपनी खुद सीट भी बना, अभी तो बनाई नहीं और मैं आपको दिखा भी नहीं सकती कि बनाई है, वो तो सरप्राइज है ना. तो वो मैं खुद बनाऊँगी थोड़ी देर में. अब वही लास्ट बचा है, अब सीट बनानी है, बाकी मैंने सब कर लिया है. फेशियल वगैरह इसने भी थोड़ी हेल्प की, खुद भी कर लिया, सफाई भी खुद कर ली. और आज चाची भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है कल से, मुझे समझ नहीं आ रहा. पहले खाला बीमार थी तो दादी बीमार है, अब चाची बीमार है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है. तो अभी घर वाले भी सारे बाजार चले गए हैं, दानिश भी कहीं बाहर है, तो यहाँ पे सब मैं और ये हैं. सुबह से तो मैं अकेली थी, फिर ये आई. फिर मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत जो काम है वो कर लेते हैं ख़त्म, उसके बाद फिर हो ना हो पाए, क्योंकि कुछ एक दो दिन ही बचे हुए हैं. की सीट की डेकोरेशन मुझे किसी पर भरोसा नहीं कि कोई अच्छी करेगा नहीं करेगा, इसलिए मैं खुद भी कर रही हूँ. और किसी पर करना ही क्या, कि कौन करेगा यहाँ पे, है ही नहीं कोई नहीं है यार. लिटरली मुझे बहुत फील हो रहा है कि मेरी एक सिस्टर होनी चाहिए थी, बड़ी होनी चाहिए थी, क्या पता कुछ कर गई होती आज जिंदगी में. मैंने लाइक तो कुछ कर नहीं पाई अपनी ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं कर पाई. वो क्या पता कर गई होती या अभी मेरे साथ होती, मेरी हर एक चीज़ में हेल्प करती. एक बहन तो होनी चाहिए, एक बहन होनी चाहिए, वो सब कुछ संभाल लेती है. अभी ये महाराजा भी आ गया और गप्पे मारते मारते आ रहा है. कोई शर्म है? मेरी बड़ी बहन नहीं है तो छोटा भाई तो है ना, कुछ तो कर सकता है ना तू जिंदगी में, है? सीट भी मैं ही बना रही हूँ, एक सोफा लेकर आया बस. कब बोला तूने? आपने मुंह से तो बोला ही नहीं. बोलता रात को बनाए. किसको गालियां दे रहा था बाहर? अभी थोड़ी देर पहले क्या बोल रहा था? बड़ा बड़ा बना है तो लड़ाकू. आज हमें सीट की डेकोरेशन बता, हमने क्या करना है, कैसे करना है. गाइज मैंने ऑनलाइन बोर्ड मंगवाया था, अगर आपको भी मंगवाना है, 150 का बहुत जबरदस्त बोर्ड आया. यहाँ देख कमरे की हालत, यहाँ अभी मैंने झाड़ू मारा ही नहीं. अभी हम इसका काम भी खत्म कर देते हैं, उसके बाद आपको दिखा दो. मैं सकती नहीं हूँ क्योंकि सारा ये वाला सरप्राइज होता है. अब पहली बार ऐसा होगा कि दुल्हन अपनी सीट खुद ही बना रही है कि नहीं? इमोशनल हो गई हूँ मैं बहुत ज्यादा. तो अभी ये वाला काम खत्म करते हैं, तो उसके बाद फिर देखते हैं, फिर करते हैं आपसे बात. कुछ सलाह मशवरा आपसे भी लेते हैं, आप भी दिया करो, क्योंकि मेरी जिंदगी में तो गया है नहीं है. मुझे ऐसा लगता था मैं भरी भरी हूँ, पर आज मुझे पता चला मैं सिर्फ खाली पी पाऊँ. अभी मैं ना धूप में बैठने आई हूँ, अंदर मुझे बहुत ठंड लग रही थी, काम अधूरा रह गया, सीट बन नहीं पाई है क्योंकि थोड़ा बहुत सामान कम है. अब मैंने सोचा शाम तक मंगवाऊंगी दानी से सामान, आया तो ठीक है, नहीं आया तो कल बना लेंगे. थोड़ा बहुत सामान कम था यार, बन ही नहीं पाया. मुझे लगा आज काम खत्म हो जाएगा, ये वाला हुआ ही नहीं. बाकी छोड़ो, धूप बहुत मस्त लग रही है. अभी तक कितने लोगों ने बोला बारिश पड़ेगी, बारिश पड़ेगी, लेकिन मुझे यकीन है बारिश नहीं पड़ेगी, धूप होगी. धूप शादी में तो बिल्कुल नहीं होगी. आराम से पहले धूप के पास बैठती हूँ, उसके बाद जाते हैं अंदर, फिर आपसे बात करते हैं. अभी मेरे को आराम करना है, मुझे इतनी नींद आ रही हुई है ना, पता नहीं क्या हो गया, नींद आ रही है. पहले तो मैं चाचू के सोई थी, भाभी अकेली थी, वो सारे हॉस्पिटल से वहाँ सोई थी. शाम को तो नींद ही नहीं आ रही थी, सारे में दर्द हो रहा था बहुत पूरी रात, शायद तभी मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैं सो नहीं सकती हूँ. अभी अजान का टाइम है, नमाज पढ़नी है, उसके बाद ही कहीं सो सकती हूँ. उसके बाद भी कहाँ सो सकती हूँ, मगरिब अजान जल्दी लग जाती है, फिर नींद खुलती नहीं है 3-4 घंटे तक, इसलिए
फिर अब सो नहीं सकती, अब टाइम चला गया। इंसान सो सकता है 1-2 बजे के बाद मजे से, फिर असर जान तोड़ सकता है। अब नहीं सो सकती, अब धूप में ही बैठ सकती। दानिश ओ दानिश, दानिश ओ दानिश, पिज्जा खाने का मन कर रहा है। जा तेरी मां, कुत्ते लाओ पिज्जा, पिज्जा ला। अब हम आएंगे तो जाएगा पिज्जा लाने, मगर यहां तो ठंडा हो जाएगा ना। मोमोज ना, मोमोज ठंडे नहीं होते। मेरा मन कर रहा है खाने का, तो इसका मतलब कर ही रहा है। गाइस आप ना, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ, हो चुकी हूँ, हो रही हूँ, पर घर वाले अभी तक नहीं आए हैं। 5 बज गए हैं, इधर उधर राउंड मारे जा रहे हैं, ये लेना वो लेना। यार बस करो, घर आ जाओ, मैं बोर हो रही हूँ कसम से। घर खाने को आ रहा है मेरे को, और ये लड़का घर के अंदर टिकता नहीं है। इसको बोला तो पिज्जा ला, पिज्जा खाने का मन कर रहा था, मोमोज खाने का मन कर रहा था, सोचा एक बार खा लूँ, फिर मौका मिले ना मिले। पर क्या ही बोलूँ, स्कूटी बोलेगा चलेगा, ये कैसे जाएगा बेचारा। थोड़ा नज़दीक होता ग्रिल तो जा ही लेते। अब मैं क्या करूँ बताओ, घर में अकेले बैठ के क्या किया जाता है, क्या करें। और सबसे पहले तो दुआ करो यार, चाची ठीक हो जाए। सियापे हो रहे, इतने सियापे हो रहे ना। शक्ल देखता ना क्या, क्या बोल रहा है। तो मैंने उपाय आ रही है, मैंने YouTube पे डालना है अब ऐसे। ये तुझे साल पे दुपट्टा नहीं, मैंने ऐसे YouTube पे डाला है। ना इतना है क्या बोलूं, अब मुझे डालना पड़ेगा। मैं कमजोर हड्डी का कर अब अब पता नहीं किस सोच में घूमे।